ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी मैं ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चौथा साल है पीसीबी जी। मुशी भाई ने बात की, मैं और भी किसी ने की होगी, मेरी जितनी पे है ना, मेरे लेवल का बंदा एक दिन नहीं वहाँ निकालेगा जी। अभी आप चेक कर सकते हैं जाके, मैं कर रहा हूँ कि चलो यार, लेकिन इन्होंने कभी मेरे से काम सही नहीं लिया ना मुझे पावर दी, लेकिन मैं बैठा इसलिए हुआ हूँ कि आप लोग कह रहे हैं ये बड़े प्लेयर टिकते नहीं कहीं। हाँ। आपका मकसद के सारे जो हाँ। कॉम भी कहेगी हाँ। दूसरे हाँ। भी कहेंगे, अब मैं लगाऊं, लेकिन किसी ने रियलाइज नहीं किया जी। तीन चार बोर्ड वाले आए, उन्होंने रियलाइज नहीं किया। अब दुख होता है ना, आप काम ले रहे हैं ना कोई और चीज कर रहे हैं, हम आप इतने पैसों पे हम बैठे हुए इसलिए कि चलो यार को पाकिस्तान का फायदा हो जाए, पाकिस्तान की वजह से आज मैं यहाँ भी बैठा हूँ, लोग इज्जत करते हैं। अगर पाकिस्तान मुझे नहीं खिलाता तो मैं कहीं भी नहीं होता। बिल्कुल, एहसान पाकिस्तान का हमारे, हमारा एहसान नहीं कि हम खेल रहे हैं। हम अक्सर लोग हम कहते हैं हमने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, मुझे इससे वो होता है, लेकिन ठीक है हम अच्छा खेलें, अच्छी ईमानदारी से क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें, ये खिदमत है जी। वरना तो एहसान तो पाकिस्तान का हमें मौका दिया है। जब मैं टीम में नहीं था, टू वे है ना ये, तो टू वे प्रोसेस। जब मैं टीम में नहीं था बहुत गरीब था जी, मुझे पाकिस्तान खेलना था जी, उस वक्त मुझे और कुछ ही नजर, मुझे इन्होंने खिलाया। अब मैं कह रहा हूँ जी मैंने ये लीग खेलनी है, मैंने काउंटी खेलनी है, मुझे यहाँ से यार पहले हम आना चाहते हैं, फिर हम ये बात करते हैं। हमें भी काउंटी मिल रही थी, मैंने तो नहीं खेली। मैं 30 दिन या 35 दिन की खेलता था क्योंकि हमने पाकिस्तान की तरफ से खेला, तो मुझे आराम से काउंटी मिलती थी। अभी भी कहूँगा जो जिनको 4 डे क्रिकेट मिलती है ना, उनको बोर्ड को ज़्यादा देना चाहिए कि जाओ खेलो, 4 डे क्रिकेट का फायदा है, लंबी क्रिकेट हाँ, काउंटी क्रिकेट खेले जाए। yes. ये लीग जो है इसमें अभी गंगुली का बयान सुन लिया आपने, ये क्रिकेट मीडियोकर क्रिकेटर बना देंगे हमें। तो हमने मीडियोकर क्रिकेट पाकिस्तान को तो नहीं चाहिए ना, हमें तो अच्छे प्लेयर चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि लंबे रन्स करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें, बॉलिंग करें तो पता चले कि हाँ बॉल निकल रहा है, कोई अच्छी जगह पे गिर रहा है, सब मिलके एक टीम बनती है। उसके लिए आपको बहुत सही डिसीजन लेने पड़ेंगे, सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। बड़े अजीब सी एक फाइन लाइन है इस चीज की। एक तरफ अगर आप क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी करंट क्रिकेटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, तो वो कहते हैं कि हम फिर क्या करें, ये तो हमारा दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर, तो हम क्या अपनी कोई अर्निंग्स ना करें, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो एरा है, एक छोटा सा टाइम फ्रेम होता है, एक छोटा सा करियर होता है क्रिकेटर का, उसी करियर में सब आपने कमाना है और उसी में करना है। या फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं जी डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक, मगर फिर हम ये भी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि यहाँ डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा होता है, मगर हम अपने छोटे छोटे लड़कों को जो 23 साल और 26 साल के, उनको CPL खेलने भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या वो हमारे डोमेस्टिक से ज़्यादा वो लड़के वहाँ एक्सपीरियंस गेज करेंगे। जब ये थॉट प्रोसेस होगा, आप कौन सी साइड पे हैं कि लड़कों को कमाने देना चाहिए और लीग में जाना चाहिए, या फिर डोमेस्टिक खिलवाएं और डोमेस्टिक में जितने पैसे हैं खुशी से उस पे राजी हो जाए जी। लाला, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं, सॉरी सवेरा, जब आपका जब आप एक होता है ना कि आप कोई वर्ल्ड नंबर वन टीम जो है वो कोई कंटिन्यू कोई काफ़ी अरसे से हैं और टीम आपकी जो है बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बड़ा टैलेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप फिर लड़कों को इजाज़त भी देते हैं कि जाओ लीग भी खेलो, इधर भी खेलो, उधर भी खेलो, लेकिन जब आपकी क्रिकेट ऑनेस्टली जिस तरीके की हमने वर्ल्ड कप में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस पर बिल्कुल ही टोटली 360 डिग्री चेंज हमने देखा टीम को, तो आई मीन एक वक्त आता है कि कुछ आद 2-3 साल के लिए आप थोड़ा सा जब सिस्टम आप बनाते हो डोमेस्टिक का और उस सिस्टम में आप ये चीज़ करते हो कि जितने आपके नेशनल प्लेयर टॉप प्लेयर्स हैं वो सब डोमेस्टिक का हिस्सा होंगे। आप ठीक है आप लीग खेलने देते हैं, आप देते हैं, लेकिन तरीका होता है हर चीज का कि भाई आपने इतने मैचेस जाके वहां पे खेलने, इसकी हम परमिशन एज अ बोर्ड आपको दे रहे हैं या आपको इतने मैचों की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन आपने जो डोमेस्टिक सीजन है वो लाजमी खेलना है आपने। तो ये हमें कुछ डिसीजन जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एंड हेड कोच जो भी है उनको ये सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको आपको बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है आपको, क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी की बात हो रही है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात हो रही है, क्रिकेट से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना, तो हमें कुछ डिसीजन बहुत सख्त लेने पड़ेंगे। हमारे सीनियर जब तक डोमेस्टिक में ड्रेसिंग रूम यंगस्टर्स के साथ नहीं शेयर करेंगे वो यंगस्टर कहां से सीखेगा। सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। सख्त डिसीजन कौन लेगा मुशी भाई, क्या लिए जा सकते हैं जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है? और सेकंडली जो लीग्स की बात हो रही है, यूसुफ भाई ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि किस तरीके से पे किया जा रहा है यहाँ पर। अगर लड़कों को पैसे कमाने, जो सवेरा का लाला से भी सवाल था, तो क्यों ना हम डोमेस्टिक में पैसे बढ़ा दें,
जो हमारे लेजेंड्स हैं जो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं उनके भी पैसे बढ़ा दें ताकि विन विन हो जाए सबके लिए। गंगुली की बात आप कर रहे थे शुरू में, तो उसने कहा कि हमें पैसा बहुत मिलता है बट हम पैसा सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी सही जगह क्या है आपको पता है? एक इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है वो कितने पैसे कमाता है? उसको अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता तो अल्लाह के फजल करम से वो लोग अपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा बसर कर सकते हैं, एक अच्छा मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी गुजार सकता है क्रिकेटर वहाँ का। अगर पाकिस्तान की देखेंगे अभी बहुत अच्छे, वी आर वेरी हैप्पी फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी सैलरीज उनको मिल रही हैं फीसों के अलावा भी। फिर ये शाहिद ने और यूसुफ ने बात की है, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट कि अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी अच्छी करनी है, देखो ना कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आपके अंपायर को कोई एमरजेंसी होती है और उसकी जगह कोई ऐसा बंदा बिठाते हैं, आपका नेशनल कप चल रहा है जो कैजुअल ड्रेस में, आप मुझे बताएं कि वो क्या इम्पैक्ट जाता है आपका। अब ये दो तीन चीज़ें जो हैं बड़ी मोटी मोटी हैं, आई थिंक पीसीबी भी ये चाहता होगा कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। वो बार बार हम ये बात करते हैं जो पैसा पाकिस्तान क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे कट वो इनके होते हैं ज़िंदगी के, वो क्या कहते हैं पीरियड टेन्योर बहुत कम होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए वी हैव टू गो बैक टू द ग्रास रूट, वी हैव टू गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अच्छे लोग आए, अच्छे मेहनती लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जिस तरह वो शाहिद अगले दिन अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था, जो इसने प्लान बनाया हुआ है बहुत अच्छा प्लान है, मैंने इसके प्लान देखे हैं शायद और ये बहुत अच्छा है। ये अगर प्लान एग्जीक्यूट हो गया इसको फिर आपने दो तीन साल देने हैं। और याद रखिएगा किसी भी चीज़ को डिवेल्प करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है। जो हम बार बार यहाँ पर बैठ के बात करें जोर के जोड़ में कि सोल्यूशन क्या है, पैसा आपको, इंडिया का कोई प्लेयर लीग क्रिकेट खेलता है? किसी भी दुनिया की लीग क्रिकेट खेलता है? मुझे पता है कि T10 में दो क्रिकेटर्स रिटायरमेंट होके वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वापस आए और उनको फिर उन्होंने क्लब मैचेस की भी इजाज़त नहीं दी कि आपने दुनिया की लीगें खेलते हैं तो फिर आपका काम हमारे साथ हमारे स्ट्रक्चर से काम खत्म, क्योंकि हम इतना आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में पे करते हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, यू शुड कॉन्सेंट्रेट इन आर डोमेस्टिक क्रिकेट। ये देखे कितनी रिटायरमेंट ली क्योंकि उन्होंने कनाडा की ग्लोबल T20 खेली थी। यू हैव टू फिनिश, इमेजिन आफ्टर रिटायरमेंट, इतने अरसे बाद रिटायरमेंट के बावजूद ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम द कंप्लीट। Absolutely. अच्छा, इसमें अगर टाइम है तो हम बात कर सकते हैं कि आप जैसे अफरीदी ने भी कहा है कि आप कंटिन्यू कुछ सी नंबर पे हो, नंबर वन रहना बाज का मुश्किल हो जाए लेकिन पहले तीन में तो आए, कंसिस्टेंट तो हो, पहले तीन में आ जाए, टेस्ट में भी वनडे में भी, अगर पहले तीन में रहते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ये जो है इससे डबल कर देना चाहिए, पीटर डोमेस्टिक वालों को भी देने चाहिए। अभी जो हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो एक वो है जो एक फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर है वो 60,000 इंडियन रुपी पर डे चार्ज करता है। सो अब आप सोच लें कि तकरीबन कोई टोटल जो मैचेस होते हैं ना एक सीजन में वो मोर देन 58-60 मैचेस खेलता है, मोर देन दैट, तो आप फिर उससे उसके हिसाब से कितना पैसा बनता है अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, पूरी उसकी मैथमेटिक्स करते हैं और मैथमेटिक्स करके वापस आते हैं। बिल्कुल है, पैसों की बात जब हम करते हैं तो है, मगर इंडियन क्रिकेट में हमेशा से इतने पैसे नहीं थे, बट रणजी ट्रॉफी जब भी वहाँ थी, दिलीप ट्रॉफी जब भी यहाँ थी, मुश्ताक अली ट्रॉफी जब भी वहाँ थी, और इसी तरह उसको सीरियस लिया जाता था। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।